अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू कुकिंग विद जीके। आज हम बनाएंगे एप्पल डोनट। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। डोनट बनाने के लिए इधर मैंने ये 3 अंडे ले लिए हैं, एक प्याली चीनी ली है, एक बड़ा प्याला ये मैदा लिया है और आधा चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। बेकिंग सोडा इसमें हम यूज़ नहीं करेंगे, बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे सिर्फ। और इधर ये मैंने एक एप्पल ले लिया जिसको कट करके रख लिया है गोल पीसीस में, और इसके बीज के मैंने इसके बीज को हटा दिया है। आप भी ऐसे ही कट कर लें। अब हम अंडों में ये एक प्याला चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, जितना भी आपको मीठा पसंद हो। और चीनी अंडों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे चीनी के घुलने तक। अगर आपके पास पाउडर शुगर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने चीनी को अंडे के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे और मैदा को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैदा को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा दूध ले लूँगी। दूध मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। दूध आप इसमें ज़रूरत के हिसाब से ऐड करते रहें, थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ ज़्यादा नहीं डालें। हमें इसका एकदम थिक सा पेस्ट बनाना है। हमारा बैटर बनके तैयार है। इधर मैंने ये आधा कप दूध लिया था जिसमें से ये आधा ही यूज़ हुआ है। हमें ऐसा बैटर बनाना है, एकदम थिक सा होना चाहिए, ये पतला नहीं हो, वरना इस पर अच्छे से कोटिंग नहीं होगी सेब के ऊपर। इधर जो मैंने ये आधा चम्मच बेकिंग पाउडर लिया था ये ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है। इसमें हमने बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है। अब हम पहले एक सेब का पीस उठाएंगे और इसमें डिप कर देंगे। अच्छे से इसको डिप कर लें। इसकी कोटिंग अच्छी होनी चाहिए तभी ये खाने में अच्छा लगेगा। हमने इसको अच्छे से डिप कर लिया है बैटर में। इधर गैस पे मैंने एक पैन में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम ये उठा के इसमें डाल देंगे। ऑयल हल्का गर्म होना चाहिए इस टाइम पे, ज़्यादा गर्म नहीं हो। ऐसे ही हम दूसरा पीस भी इसमें डाल देंगे। आप फ्लेम को इस टाइम पे मीडियम कर दें और इनको सिकने देंगे। हमारे डोनट को सिकते हुए 4 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम से। अब हम इनको हल्के हाथ से पलट देंगे, फिर हम इनको 4-5 मिनट के लिए और सेक लेंगे। जब तक ये अच्छा सा इनका कलर नहीं आ रहा था तब तक आप इसको सेक लें लो फ्लेम पे। हमारे डोनट दोनों तरफ से सिक के ये तैयार हो गए हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। इनसे अच्छा सा कलर आ गया है। इसी तरीके से हम बाकी के डोनट भी सेक के तैयार कर लेंगे। हमारे डोनट बन के तैयार हैं। अब इसके लिए हम चॉकलेट तैयार कर लेते हैं। इधर मैंने ये कंपाउंड चॉकलेट ले लिए जिसको चंक्स में काट लिया, और ये एक कप मैंने दूध लिया है। इसको मैंने बॉइल कर लिया है दूध को। अब हम इस पर डालेंगे जिससे चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए। मैंने थोड़ा सा दूध डाला है अभी चॉकलेट को। हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई है। आप इसमें दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स करते रहें जिससे ये जल्दी मेल्ट हो जाए। अब हम डोनट को चॉकलेट में डिप करेंगे। हमारी चॉकलेट मेल्ट होके तैयार है। आप इसको अच्छे से चला चला के मेल्ट कर लें। अब हम इसमें डोनट को डिप करेंगे जिससे ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, और इनको साइड में रखते जाएंगे। हमने चीनी को दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, क्रीम टाइप हो गया है। अब हम इसे चम्मच पे लेंगे और ऐसे गार्निश कर देंगे डोनट को। हमारे यम्मी से डोनट बन के तैयार है। अब आप इनको थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख दें जिससे ये अच्छे से ठंडे हो जाए। 20 से 25 मिनट के लिए आप इसको फ्रीज में रख दें, उसके बाद इंजॉय करें। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।